निजी कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण का ये जो पूरा मामला था उसमें आपको अपडेट देते हैं। 50 लाख रुपए की फिरौती के चक्कर में ये पूरे अपहरण को अंजाम दिया गया था। अब जब बातचीत हुई तो खुलासा हुआ और किस तरीके से पूरी साजिश रची गई, इस बच्चे ने पूरी बातचीत सुनी कि किस तरीके से उसको किडनैप किया गया, उसके बाद में उससे फिरौती मांगी गई और जब फिरौती मांगी गई तब ये चीज़ें भी निकल कर सामने आई और ये तमाम जानकारियाँ तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे। बता दें कि गुंडों के मुताबिक जो किडनैप हुआ था लड़का, उसके मुताबिक दो बदमाशों ने पहले तो उसे सीकर से किडनैप कर लिया। अब गुंडों के मुताबिक किडनैप करने वाले लोगों की संख्या 4 से 5 थी, जिन्होंने 2 बार गुंडों से उसके घर वालों के नंबर भी पूछे। बदमाश बात कर रहे थे कि शाम 8 बजे तक 50 लाख आ जाने चाहिए वरना बच्चा नहीं बचेगा। अब रास्ते में बदमाशों ने गाड़ी में एक बार फिर से पेट्रोल भरवाया, उसके बाद उसे बदमाश गाड़ी में अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे में गुंडों ने खुली खिड़की से बाहर निकलकर आवाज़ लगाई तो ऐसे में ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसपी कुंवर राष्ट्रजीत ने बताया कि आरोपी सुनील गढ़वाल और एक साथी को गिरफ्तार किया गया, तीसरे बदमाश आनंद पाल गढ़वाल की तलाश जारी है। सभी ने एकजुटता दिखाते हुए गन्नू का अपना बेटा मानते हुए जो सहयोग दिया, जो दुआएं करी, उसका नतीजा है कि हमारा गन्नू सकुशल घर लौट आया। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। माता रानी का आशीर्वाद था, बालाजी की कृपा थी कि बच्चे को खरोंच भी नहीं आई। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर भी कोई व्हाट्सएप में कोई ग्रुप में मैसेज गया, ये गया, प्रत्येक गांव के अंदर इतनी हलचल हो गई कि ये जो बेटा है, आज ये छोटा सा मासूम बेटा है, इसके साथ जो कुछ गलत इन्होंने किया है तो सब एकजुट मिल करके और इतना कर लिया करके उसके बाद एक सिस्टम पूरा पकड़ में भी आ गया और हम रात को इसको लगभग 8 बजे लाने में सफल भी हुए। पीछे गांव वाले पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, इसलिए उन्हें तेरी गाड़ी भगाई और फिर बाद में गाड़ी के ऊपर खड़े हो गए, फिर बाद में वहां से भाग गए। गेट खुल नहीं रहा था, मैं खिड़की से कूद कर बाहर आ गया क्योंकि खिड़की खुली हुई थी, और अगर नहीं भी खुली होती तो फिर उसमें चेन लगी हुई थी, चेन से खोल जाता, और फिर बाद में कूद गया था मैं। फिर बाद में बोला था पुलिस हेल्प, फिर बाद में गाँव वाले थे, फिर बाद में पुलिस आ गई। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रामलाल